सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब व्लॉग विद योर ब्रदर यूट्यूबर यश। सो आज मैं जा रहा हूँ अपनी बाइक का पल्सर N160 का माइलेज टेस्ट करने। देखते हैं बाइक मेरी कितना माइलेज देती है। सो मेरी बाइक का भी जो टैंक है, फ्यूल टैंक, वो भी खाली है। देखो यहाँ पे लो फ्यूल यहाँ पे इंडिकेट कर रहा होगा, इंडिकेट कर रहा है। सो गाइस अभी लो फ्यूल है और हम गाड़ी तब तक चलाएंगे जब तक फिर से लो फ्यूल नहीं इंडिकेट करने लगता है। अभी मैं जा रहा हूँ बस पेट्रोल पंप पे पेट्रोल फिल कराने, और कितना कराएंगे, हाफ लीटर कराएंगे ताकि हमारा जो बाइक है वो ज़्यादा देर तक ना चलानी पड़े और जल्दी से ही हमारा टेस्ट कंप्लीट हो जाए। क्योंकि भाई जहाँ तक मैं अभी तक चला रहा हूँ, एक महीना हुआ है मुझे, एक दो महीना, सो ये 20 का तो ज़्यादा ही एवरेज देती है, मतलब 40-50-60 का एवरेज देती है। सो अगर हाफ टैंक भी कराऊंगा, हाफ लीटर कराऊंगा, तो फिर भी 20-30 किलोमीटर मुझे चलना पड़ेगा। तो इस वजह से हाफ लीटर डलवाऊंगा ताकि ज़्यादा ना चलानी पड़े और जल्दी से टेस्ट मेरा कंप्लीट हो जाए। गाइस पता है, मैं पहले सोच रहा था कि पहले इसमें जो पेट्रोल है वो बॉटल में ले लेते हैं, लेकिन यार बॉटल में पेट्रोल मिलता नहीं है आज तक। सो आजकल बॉटल में पेट्रोल देना ही बंद कर दिया है, तो इस वजह से यार मुझे हाफ लीटर डलाना पड़ेगा। उनसे बोलूँगा कि यार हाफ ही डालना, हाफ से ज़्यादा मत करना, मुझे वीडियो शूट करनी है, तो ऐसा कुछ बता दूंगा मैं उनको। सो इस वजह से वो आधा ही डालेंगे, और जब पेट्रोल हम लोग डला लेंगे ना, तो इसमें जो ट्रिप है वो ज़ीरो कर देंगे, ताकि जितने किलोमीटर हमारी गाड़ी चलेगी हमें पता रहेगा। तो चलो यार अंकल से कहते, यूट्यूबर यश व्लॉग्स। अंकल देखिए हमें वीडियो बनानी है, ठीक है, इसमें आधा लीटर डालिएगा बस, हाँ ठीक है, सिर्फ आधा लीटर, माइलेज टेस्ट करना है, आधा टैंक नहीं आधा लीटर बस, यही है क्या भाई, आधा टैंक में आधा लीटर, आधा लीटर रहेगा अंकल बस। यूट्यूबर यश व्लॉग्स जीरो अकाउंट। अरे हाँ तो मैं उससे गड़बड़ हो गया। नहीं नहीं, हाँ गड़बड़ मत करिएगा। नहीं नहीं कुछ नहीं होगा, आइए भैया आ गए ये। हाँ उस दिन गड़बड़ हो गई थी, ज्यादा हो गया था उस दिन। बस अंकल थैंक यू। अंकल यूट्यूबर यश व्लॉग्स लाइए, मैं सर्च कर देता हूँ। भाई साहब फैन बेस बढ़ा रहा हूँ मैं अपना, ये रहा। यूट्यूबर यश व्लॉग्स, ये मिल गया भाई का चैनल। अंकल ठीक है, सो गाइस मैंने कर दिया ट्रिप ए ज़ीरो, ये देखो ठीक है, और मैंने फ्यूल आधा लीटर डलाया है अंकल से, और गाइस मैं चल रहा हूँ अब। अब देखते हैं गाइस, यहाँ से स्टार्ट हो गई हमारी जर्नी, और आप देखो भाई कोई इसमें घपला नहीं करूँगा मैं, पता तो सब चलेगा ही कि ट्रिप ए 0.0 किलोमीटर है अभी, और अभी कितनी आगे चलेगी, ठीक है, सारे किलोमीटर यहाँ पे रिकॉर्ड होंगे। सो क्या कहते हो, कहाँ चला जाए, चलते हैं, चलो चौक चलते हैं, वही घूम के आते हैं। पूरी गाड़ी पर आराम से आप लोग गाइस एंजॉय करो, पॉपकॉर्न लेके बैठो, चिप्स विप्स कोल्ड ड्रिंक वगैरह सारी चीज़ें लेके बैठो, आराम से वीडियो देखो। और देखना यहाँ पे देखो 0.2 किलोमीटर हो चुके हैं, अभी देखते आधे लीटर में कितना दूर गाड़ी जा सकती है।
सिटी में देखते कितना माइलेज देती है अपनी बाइक। लेकिन आप चिंता मत करो, आपका ट्रिप है जो है वो आपके साथ है, आपको हर एक किलोमीटर तक का बताएगा। एक किलोमीटर हो चुका है, 1.1 किलोमीटर। देखो यार कितना जाता है, 10-20 किलोमीटर, कितना भी पता नहीं, 10-20 किलोमीटर बहुत ज़्यादा हो जाएगा। नहीं, हाईवे पे जब निकलेंगे ना तो उतना ज़्यादा नहीं होगा, पता ही नहीं चलेगा इतना ज़्यादा 10-20 किलोमीटर हो गया। यहाँ चलाओ यार, अब मतलब ये आ चुके हैं कि अब बस गाड़ी चलानी है। माइलेज वीडियो तो बन ही रही है, साथ साथ आप लोग को दिखाता हूँ द फेमस घंटाघर ऑफ लखनऊ। जो भाई लखनऊ से दूर रहते हो वो लखनऊ की चीजों को मिस करते होगे ना, तो देखो गाइस घंटाघर लखनऊ का कितना फेमस है। और बहुत सारे लोग यार बहुत दूर रहते हो, अलग अलग स्टेट में रहते हो, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में रहते हो, सो लखनऊ आना और लखनऊ की ये सब चीज़ें देखना, मॉन्यूमेंट्स वगैरह एंशियंट टाइम की है भाई, बहुत अच्छा लगता है देखने में। आसपास दिखाता हूँ, इसके आसपास इमामबाड़ा भी बना हुआ है, वो भी बहुत मजा आएगी आपको देखने में। जस्ट मेरी वीडियो में बने रहना, सिर्फ कुछ नहीं करना है, आराम से बैठ के भाई बेड पे लेट के वीडियो देखो। और ये भी साथ साथ पता चल जाएगा कि पल्सर N160 का सिटी में माइलेज कितना निकल के आता है। और गाइज अपने भाई को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब कर दो यार, है ना, सब्सक्राइब करने से कुछ नहीं आता, एक लाइक भी कर देना इस वीडियो को। भाई बहुत धूप होती है, इतनी धूप में निकलते हैं वीडियो शूट करने ताकि देर ना हो जाए और वीडियो कंसिस्टेंटली आती रहे। भाई और कमेंट जरूर छोड़ देना कि आप हो कहाँ से वीडियो देखी जा रही है मेरी, आप जरूर मेरे को देना कमेंट। ऐसे बातें करते करते 2.7 किलोमीटर हो गए, दिखाऊं आपको, देखो 2.7 किलोमीटर है, मीटर में खुद ही इंडिकेट कर रहा है। और स्कॉर्पियो वाले को ओवरटेक करते हैं, ये भाई रुक गई। भाई साहब इतनी गदर रोड मतलब बनी हुई है, इतनी सही यार, ये कब बन गई भाई, ये कब हुआ, मजा आ रही है भगाने में। ओ भाई साहब ये देखो सिस्टम, अबे यहां से कितना अच्छा लग रहा है। आई होप आप लोगों को दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा तो मैं साइड लेके दिखाता हूं। ये देखो भाई पूरी बिल्डिंग्स में हमें सारा दिख रहा है, इधर ही ऐसा ही है, ऐसा लगे मैं ऊपर हूँ, सारे ऐसे छोटे छोटे घर दिख रहे, सब बिल्डिंग्स भी सब छोटी छोटी दिख रही हैं, मतलब व्यू बहुत ही अच्छा है ये। लेकिन मच्छर बहुत भयानक तरीके से मर रहे हैं भाई, हेलमेट पे अंदर भी पता नहीं कुछ मारा है यहाँ पे, शिट। ओ तेरी भयंकर, ये क्या है आगे कुछ है भाई, मेरा वीडियो शेयर करने का मन नहीं कर रहा है यार, देखते रहो भाई साहब यहाँ पे क्या बना है यार, कुछ दिन से नहीं आया तो यहाँ पे देखो, ये भाई यहाँ पे स्टैचूज बन रहे हैं। ओ भाई इतना बढ़िया पार्क है यार, भाई अब तुम्हें रोज आने वाला हूँ यहाँ पे, रोज आने वाला हूँ। ये पार्क बनना, आई थिंक मैंने सुना था एक पार्क के बारे में जो कि बनने वाला है यहाँ पे पूरे लखनऊ में, मतलब ऐसा कुछ है, यहाँ पे स्टैचूज वगैरह रहेंगे हर चीज के, और लखनऊ में क्या क्या है वो यहाँ पे पार्क में बनेगा, सो मुझे लग रहा है वही है ये, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो। अगर किसी को पता है तो गाइस प्लीज कॉमेंट कर देना, ठीक है। सो यहाँ पे कुछ हुआ है क्या, इतनी भीड़, चल नहीं सब्जी मंडी है। सो गाइस चलो फिर से
10 किलोमीटर बाइक के कंप्लीट हो चुके हैं ये देखो, और हम लोग फिर उड़ गए। और मजे मजे में अपनी बाइक के 11-11.5 किलोमीटर पूरे हो चुके हैं। आप लोग को माइलेज दिखाने के लिए मैं आराम से चला दूं, बाइक का मैक्सिमम माइलेज निकाल दूं, ऐसे थोड़ी चलता है भाई, ये तो चीटिंग हो गई। जैसे आप लोग चलाते हो वैसे मैं चलाऊंगा। ओ भाई साहब, ए नहीं 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 नहीं, मुझे क्या देख रहे हो, जाओ आगे। ये रोड अच्छी है बट सेफ नहीं है गाइस, अगर आप चाहो ना कि फुल स्पीड में चलाओ तो भाई पॉसिबल नहीं है, क्योंकि बीच बीच में कोई आ जाए, क्योंकि इधर भी घर है इधर भी घर है। ग्रीन कॉरिडोर बेशक है बट रोड तेज चलाने वाली नहीं है। सिटी माइलेज टेस्ट, और इतनी खूबसूरत सिटी में माइलेज टेस्ट, सारी चीजें मैंने आपको दिखाई। बड़ा इमामबाड़ा अभी जाते हुए दिखाऊंगा मैं आपको, बड़ा इमामबाड़ा, और इधर क्लॉक टावर देख लो, ये देखो मैं आपको बता दूं। क्या थोड़ी बहुत रिएक्शंस लूं मैं, ये देखो रिएक्शन थोड़े बहुत। भाई आज मैं ऑफ रोडिंग कर रहा हूँ पूरी वाली। इधर दिखाता हूँ पिक्चर गैलरी, ये है पिक्चर गैलरी लखनऊ, ये देखो गाइस बहुत पास है। अभी इसमें कुछ कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है और यहाँ पे सब घूमने आते हैं। तो गाइस हमारी जो बाइक है बंद हो रही है बार बार, इधर बड़ा है मम बड़ा, इधर बड़ा में बड़ा। आई होप आप लोग को दिख रहा होगा, देखो गाड़ी बार बार बंद हो रही है, आई थिंक जा नहीं पाऊंगा मैं उधर। अब मुझे लग रहा है कि माइलेज टेस्ट होने वाला कंप्लीट, 18.5 किलोमीटर हो चुका है ये देखो, और लो फ्यूल भी इंडिकेट कर रहा है, बाइक बार बार बंद भी हो रही है, ऐसा ना हो कि रास्ते में ही बंद हो जाए और हम जा ही ना पाए घर, धक्का लगाना पड़े हमको, धक्की आना पड़े हमको इसको, लेकिन ऐसा नहीं होने दूंगा। मैं घूम के जरूर आऊंगा, गाड़ी भले मैं धक्का लगा के आऊँ। 19 किलोमीटर पूरा हो चुका है, मेरे हिसाब से 10-11 किलोमीटर का कॉरिडोर है। चलो फिर मजा लेते हैं, लूटते हैं मजा, आइए मेरे साथ। और यार अगर अभी तक वीडियो देख रहे हो ना भाई तो चैनल को सब्सक्राइब कर दियो, बिना सब्सक्राइब के जाना मत, ठीक है भाई। नहीं यार पाप लगता है, इतनी मेहनत कर रहा हूँ, मेहनत को भाई जरूर सराहना चाहिए, कभी पाप के भागीदार मत बनना। जाओ एक लाइक करो, ठोक के आओ और सब्सक्राइब कर दो पाप से। तब तक मैं चल रहा हूँ ग्रीन कॉरिडोर पे, और जल्दी मिलो आके। 26.9 किलोमीटर हो चुके हैं भाई, मेरे को लग रहा है गाड़ी यहीं बंद हो जाएगी, धक्का लगाना पड़ेगा मुझे, मैं पेट्रोल लेके भी नहीं आया हूँ भाई। गाइस ये देखो यहाँ से कितना बढ़िया लग रहा है ना, यहाँ पे घर वर हो तो ले लिया जाए, 10-12 प्लॉट यहाँ पे बुक कर दिए जाए, मेरे हिसाब से भाई रिकॉर्ड तोड़ दूंगा मैं। गाइस रिकॉर्ड टूटने वाला है, मैक्सिमम एवरेज जितना कंपनी क्लेम कर दी ना भाई उससे ज्यादा निकाल के दिखाऊंगा आप लोग को मैं। 59 किलोमीटर पर लीटर का एवरेज कंपनी जो है वो क्लेम करती है पल्सर N160 पे, और गाइस कसम खा के बोल रहा हूँ उससे ज्यादा निकलेगा भाई। देखो 29 किलोमीटर हो चुके हैं, 0.5 लीटर पेट्रोल डलाया था, अगर इसका डबल किया जाए तो 58 किलोमीटर का एवरेज मिल चुका है हम लोग को, 58 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज बाइक हमारी दे चुकी है अभी तक, और इससे भी ज्यादा देगी।
मैंने बोला ना भाई कि 59 का कंपनी क्लेम करती है तो उससे ज्यादा तो आपको निकाल के दिखा ही दूंगा। गाइस हमारी बाइक में देखो 34.6 किलोमीटर कंप्लीट हो चुका है। ये देखो 34.6 किलोमीटर, मतलब इसके हिसाब से अगर जोड़ा जाए सो 30 60 और 448 68 किलोमीटर, 34 का अगर 0.6 हटा दिया जाए सो भाई आज रिकॉर्ड टूट चुका है और अभी इससे ज्यादा और होगा, अभी आप लोग देखते रहना ठीक है। सो गाइस हम लोग आ चुके 36.3 किलोमीटर बाइक के कंप्लीट हो जा रहे हैं। भाई मेरे को खुद समझ नहीं आ रहा कि कैसे हो रहा है इतना खतरनाक। अगर ये एवरेज देने लगी तो स्प्लेंडर वगैरह सब छोड़ देंगे, तो निकल ही जाता होगा भाई उसका, ये तो मतलब उनका गला काट देगी। 60 सीसी होकर 36.7 किलोमीटर हो चुका है और 36 अगर जोड़े तो 72 किलोमीटर का माइलेज हो गया भाई। मतलब एक बंदे ने मेरे में कमेंट किया था कि भाई मेरा माइलेज है 75 किलोमीटर पर लीटर N160 का, सो बेटा पहुंच रही है बस उतनी। भाई बहुत पोटेंशियल है बाइक में यार, तुम खींच दो उसमें, लो फ्यूल में भी कुछ नहीं करती है। और आप लोग सोच रहे हो कि इसमें पहले से मैंने फ्यूल डलवा लिया था, सो गाइस ऐसा कुछ नहीं है, मैंने कुछ फ्यूल नहीं डलवाया था। आपके सामने मैंने पेट्रोल पंप पे गया था और आधा लीटर पेट्रोल डाला था, आधा। वो भी पूछ रहे थे कि आधा टंकी डालना है कि आधा लीटर पेट्रोल डालना है, 1 लीटर बाय 2 आधा लीटर पेट्रोल, तो बस उन्हीं के पास पहुंच रहा हूं। और बाइक बीच बीच में बंद हो रही है बट भाई स्टार्ट करो, स्टार्ट जा रही है और आई थिंक ये रिजर्व में लग चुकी है वापस उसी पेट्रोल टंकी पे। उनको बताओ चल के क्या सिस्टम बना दिया, कौन सा डाल दिया था, किस पेट्रोल में इतना एवरेज निकल आया, पावर एक्स्ट्रा प्रीमियम एक्स्ट्रा XP95 XP100 कौन सा डाला भैया। सैंतीस पॉइंट 3 किलोमीटर कितना चली अंकल बताइए, 37.3 किलोमीटर आधे लीटर में बस। 37 का मतलब फिर 35 70 और 3 और 74 भाई ये देखो 37.3 किलोमीटर ट्रिप ए लिखा है, मतलब 74-75 का माइलेज दिया इसने। और लो फ्यूल पे ले गया तो लो फ्यूल पे लाया हूँ, रिजर्व में भी लग चुकी है। अच्छा आप ही बताओ, आपने आधे लीटर डाला था ना, कोई इसमें गलत तो नहीं बोल रहा हूँ मैं? सामने हाँ, सामने आधा लीटर वहाँ पे 0.50 लीटर। चलिए अंकल यहाँ पे हमारा वीडियो ख़त्म हो गया और आप इसमें पेट्रोल डाल दो। देखो मैंने आपको विश्वास हो जाए इस वजह से मैंने अंकल से भी पूछवा दिया जो पेट्रोल पंप पे थे कि अंकल जी इसमें कितना डाला था आपने पेट्रोल, तो कह रहे हैं भाई करेक्ट आधा लीटर 0.50 लीटर। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टाटा बाय बाय।